सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में जीरे वाली तूड़ी किस तरीके से बनाती हूँ। मेरे एक व्यूअर ने लाइव सेशन में रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें बिना प्याज और बिना दाल वाली तूड़ी बनाना सिखाऊं, जिसे कि हम जीरे में बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पे लिया आधा किलो तूड़ी, जिसे मैंने धोकर छीला और इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। काटने के बाद भी मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से 1 से 2 पानी से धो लिया था और अब मुझे सब्जी बनानी है तो तुरंत मैंने इसे पानी में भिगोया है। बहुत ज़्यादा देर के लिए आप पानी में से ना भिगोएं, जब सब्जी बनानी हो बिल्कुल उसी समय आप इसमें पानी डालें। मसालों में मैंने लिया है नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सब्जी में मिर्च आपको बिल्कुल ध्यान से डालनी है क्योंकि ये सब्जी रिड्यूस होगी, तो अगर आप मिर्च ज़्यादा डाल देंगे तो सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर लेते हैं तो 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करें। साथ ही मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, 2 चम्मच सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसे मैंने धोकर लिया है, इसे मैं बिल्कुल बारीक काट के यूज़ करूँगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ तूड़ी को कैसे काटना है। मैंने इस तरीके से बिल्कुल फ्रेश तूड़ियाँ ली थी, इसे मैंने धो लिया है। सबसे पहले हम इसके एजेस को ट्रिम करेंगे इस तरीके से। तूड़ी लंबी है तो मैं इसे बीच में से भी इस तरीके से कट कर लूँगी और अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से पील कर लेंगे। तूड़ी को हमेशा आप बिल्कुल अच्छे से पील करें ताकि उसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, क्योंकि अगर इसमें ग्रीन पार्ट रहेगा तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको इसे पील करना है। ये देखिए, तूड़ी बिल्कुल अच्छे से पील हो गई है, इसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। अब तूड़ी वाइट हो गई है तो अब हम इसमें इस तरीके से स्लिट्स लगा लेंगे। जितनी मोटी आपकी तूड़ी हो उस हिसाब से आप इसमें स्लिट्स लगाएं और इसे बिल्कुल बारीक इस तरीके से काटते जाएं। अगर ज़्यादा मोटी तूड़ी लगे तो आप इसमें 1 स्लिट और लगा सकते हैं और इसे इस तरीके से ही बस आपको काटना है। काटने के बाद मैं इसे अच्छे से 2 पानी से धो लूँगी, फिर हम इससे सब्जी बनाएंगे। तूड़ी को मैंने धो लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, फ्लेम मैंने ऑन की है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल में भी सब्जी बना सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेंगे। ये देखिए, जीरा अब सुनहरा हो गया, ये अच्छे से क्रैकल भी हो चुका है। इस समय मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी को एक बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। आप चाहें तो उसकी जगह नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन उस समय आप 1/4 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धुली हुई तूड़ियाँ। आप चाहें तो इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके भी रख सकते हैं, बट मुझे तुरंत सब्जी बनानी थी तो मैंने इसे भिगो दिया था। इस तरीके से मैं अपने हाथों से तूड़ी को पानी से निकाल के पैन में डाल रही हूँ। सबको मैं अच्छे से एक बार चला लूंगी। सब्जी में मैं एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सब्जी अपने पानी में ही पकेगी, इसीलिए आप इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए भी पानी में ना भिगोएं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर सब्जी बहुत पानी रिलीज करेगी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, आधा छोटा चम्मच से कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सब्जी रिड्यूस होगी। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, इसे हम अभी ऐड नहीं करेंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, सब्जी को मैं कवर करूंगी और ढक करके लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि सब्जी अपना पानी अच्छे से रिलीज कर सके। आप देख सकते हैं फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है, 5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं सब्जी ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, सब्जी ने कितना पानी रिलीज़ किया है, अभी अपने पानी में ही पकेगी। जब सब्जी अच्छे से 5 मिनट के बाद पानी रिलीज़ कर देगी तब हम फ्लेम को करेंगे हाई, और अब मैं इसे हाई फ्लेम पर ढक करके पकाऊंगी ताकि इसका तकरीबन पानी रिड्यूस हो सके। इसमें भी तकरीबन 5 मिनट का समय लगेगा। आप इसे इस तरीके से कड़छी से चलाते जाएं बीच बीच में। सब्जी को मैंने ढक दिया है और ढक करके इसे अब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने दूंगी।
5 मिनट हो गया है, चलिए हम देखते हैं सब्जी को। ये देखिए सब्जी का पानी अब तकरीबन सूख गया है। पहले सब्जी में से पानी बिल्कुल अलग से नज़र आ रहा था, अब वो उसके साथ मिक्स होता जा रहा है। बस इस स्टेज पे हम सब्जी को बिल्कुल अच्छे से मैश करेंगे करछी से और फ्लेम को वापस से हम लो कर देंगे। ये देखिए फ्लेम को वापस से मैंने लो किया है और इसे करछी से बिल्कुल अच्छे से मैश करूँगी ताकि तूड़ी के चंक्स अलग से नज़र ना आए और पानी भी अलग से पता ना चले, सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। ले ये देखिए तूड़ी अब अच्छे से मिक्स हो गई है, पानी अब इसमें अलग से पता नहीं चल रहा है। मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मैश किया है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी अलग से नहीं दिख रहा है। ये देखिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। जब इस तरीके से आपकी तूड़ी अच्छे से मिक्सअप हो जाए कि पानी इसमें अलग से नहीं निकल रहा हो और तूड़ी के चंक्स भी नज़र ना आए, तब आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर। जब तूड़ी अच्छे से पक जाती है उसके बाद ही हम इसमें टमाटर डालते हैं, क्योंकि टमाटर में खटास होती है, अगर हम पहले डाल देंगे तो सब्जी नहीं गलेगी। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखा था। इसे मैं फिर से कवर करूंगी और ढक करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। 2 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है और इसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा मैश करूंगी ताकि टमाटर के चंक्स अलग से पता ना चले और सब्जी में जो पानी हो वो भी रिड्यूस हो जाए। ये देखिए हाई फ्लेम पे मैंने 2 मिनट तक इसे मैश किया है जिससे कि टमाटर भी अच्छे से सब्जी में मिक्सअप हो गया और जो सब्जी में थोड़ा बहुत पानी था वो भी खत्म हो गया है। फ्लेम को मैंने अब ऑफ किया है, इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर और इसे सर्व करूंगी। तैयार सब्जी पे मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और इसे रोटी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Google+, Facebook और Instagram पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।